लेते हैं और क्या कर लेते हैं, उसके हम कुछ क्वेश्चन बना लेते हैं और उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ये आपको बता देते हैं। जैसे हमने यहाँ पर सीख लिया था अ से अह तक क्या होते हैं, स्वर होते हैं, तो उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है खाली स्थान में स्वर लिखो अ से अह तक। अब यहाँ पर जो खाली स्थान मीन्स यहाँ पर जो जगह खाली है वहां पर क्या लिखना है आपको, स्वर ही लिखना है। अब स्वर अ से अह तक में लिखना है, तो जैसे यहाँ अ लिखा है तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, आप यहाँ ई लिखा है तो यहाँ क्या लिखेंगे, ई। यहाँ उ लिखा है तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, ऊन का। अब ऋषि लिखा हुआ है ए लिखा तो यहाँ क्या लिख लेंगे आप, ऐनक का। अब यहाँ औक्लिका लिखा है तो आप लिख लेंगे औक्लिका, तो यहाँ आपका आ जाएगा औरत का। ये आम अमरूद के बाद यहाँ पर अह, ठीक है। ये हो गया हमारा अ से अह तक स्वर, इतना हमें पता है कि अ से अह तक स्वर। अब वर्णमाला में अ से अह तक स्वर के बाद में हमने क से ज्ञ तक सीखना है। उसमें जितने शब्द हमने आपको जितने वर्ण हमने आपको सिखा दिए हैं वो हम यहाँ पर देखते हैं, उनमें हम क्या करेंगे, मान लीजिए हमें वर्ण को पहचानना आ गया वर्णमाला में, है ना, तो क्या करेंगे हम, क्या प्रश्न बनाएंगे हम, वर्ण से वर्ण मिलाओ, मतलब इस लाइन में जितने वर्ण हैं और इस लाइन में जितने वर्ण हैं वहां पर अगर एक जैसे वर्ण दिख रहे हो उन्हें क्या करना, वर्ण से वर्ण को मिलाना है। जैसे यहाँ पर क लिखा है और यहाँ क, इसका से इसका को मिला दिया। जैसे यहाँ ख लिखा है और यहाँ पर ख लिखा हुआ है तो हम इस ख से ख को मिला देंगे, ठीक है। यहाँ ग लिखा है यहाँ ग से ग को मिला देंगे, यहाँ घ लिखा है घ से घ को मिला देंगे, ठीक, इतना हुआ। फिर हम आ जाते हैं स्वर पर बोला लगाओ। अब यहाँ स्वर और व्यंजन दोनों मिक्स हो गए हैं, ठीक है, अ से अह तक तो स्वर होते हैं और क कबूतर से ज्ञानी तक फिर वो व्यंजन होते हैं। अब स्वर और व्यंजन दोनों मिक्स हो गए हैं, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिर्फ जो स्वर है उन पर बोला लगाएंगे, ठीक है। जैसे अ, जैसे आ, है ना, जैसे उ, जैसे ई, ये सारे हमारे क्या है, स्वर है। अब हम इस लाइन में देखेंगे ये ए एडी का हो गया हमारा स्वर, ये औखली का और ये अंग, अंगूर के बाद अह आता है तो वह अह भी हमारा स्वर हुआ, तभी अ से अह तक में स्वर हो गए। फिर हम अब इसके बाद क्या करेंगे, अगर हमें स्वर व्यंजन समझ में आ गए, वर्ण पहचानना आ गए, तो फिर हमें उस शब्द को लिखना आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, कुछ पिक्चर्स आपको बताएंगे, चित्र, है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये आम का चित्र है, दिख रहा है आपको, है ना। अब हम ये भी पूछ सकते हैं आम किस रंग का होता है, लेकिन अभी यहाँ हमें लिखना है, क्या लिखना है, जो भी चित्र यहाँ पर बना हुआ उसका सिर्फ पहला वर्ण लिखना है, पूरा नहीं लिखना। अगर आम का चित्र है तो पूरा आम नहीं लिखना, सिर्फ पहला वर्ण, ठीक है। तो यहाँ पर आम का है चित्र, हम क्या लिख देंगे, पहला वर्ण आ, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या चित्र है, घर बना हुआ है, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, आया समझ में। अब यहाँ पर इमली का चित्र है, हम क्या लिख देंगे, ई। यहाँ पर अंगूर का चित्र है तो हम आम अंगूर का लिख लेंगे, सिर्फ पहला वर्ण लिखना है आपको। ये चित्र काय का है, का कमल का है, फूल दिख रहा है आपको, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, सिर्फ का कमल का, ठीक है। यहाँ क्या है, छाते का चित्र है, तो क्या लिखेंगे हम, छ से छाता, ये छा, ठीक है। इस तरह से आप अपने प्रश्न हल करेंगे, आपको अच्छी तरह से हर एक चीज समझाएंगे। आई होप आपको पसंद भी आया होगा हमारा समझाने का तरीका, आपको समझना होगा क्योंकि आप इसी तरह से हम आपसे पूछेंगे, ठीक है, और आप अच्छी तरह से समझेंगे। हो गया आपका इतना, ठीक है, थैंक यू।